need to tell you something. I really, 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 really like you. I want you. Do you want me? Do you want me too? हेलो गाइस, वेलकम टू तेजी मीडिया न्यूज़। तो गाइस, आज हम बात करेंगे एवेंजर इन्फिनिटी वॉर के डेथ कैरेक्टरों के बारे में कि इस मूवी में कैसे कैसे मौत हुई, और देन इससे रिलेटेड काफी बड़ा खुलासा हुआ है अभी हाल ही में। आपको सभी को पता होगा स्क्रीन रेंट जो कि बहुत ही बड़ी कंपनी है, उसने अपने एक रिपोर्टर को भेजा एवेंजर इन्फिनिटी वॉर के VFX सुपरवाइजर का इंटरव्यू लेने, और देन सुपरवाइजर के इंटरव्यू में कुछ ऐसा खुलासा हुआ जो कि काफी चौंकाने वाला था। तो वो खुलासा था इन कैरेक्टरों की डेथ को बहुत ही खतरनाक तरीके से दिखाना। आप सब जानते हो कि इस मूवी में कितने सारे कैरेक्टर मारे गए, बट हमें किसी भी कैरेक्टर को इतनी बुरी तरीके से मरता हुआ नहीं दिखाया गया। हालांकि लोकी की मौत थी, बट इतनी ज्यादा खतरनाक तरीके से नहीं दिखाई गई। ये था सुपरवाइजर का कहना। सुपरवाइजर का पहला जो ऑर्डर था, जो कि उसके पास पूरी टीम थी VFX की, और देन वो जब उसे सुपरवाइज कर रहे थे तो उन्हें जो ऑर्डर मिले थे कि आपको हर एक कैरेक्टर का ब्लड निकलते हुए दिखाना है, देन मौत को थोड़ा घिनौना और गंदा दिखाना है। बट बाद में मूवी चलते चलते कुछ चेंजेस हुए, और देन ऑर्डर मिला कि हर कैरेक्टर को मरते हुए दिखाना है, बट सिंपली वो दर्द से मरे बट उनके शरीर से खून ना निकले। ये इसलिए शायद ऐसा चेंजेस हो सकता है क्योंकि फैन से नहीं कहीं बुरा नहीं मान जाए, और देन ये मूवी बच्चे भी देखते हैं और देन बड़े भी देखते हैं, कोई उम्र नहीं है इस मूवी को देखने के लिए। तो एनी टाइम कोई भी लोग इस मूवी को देख सकते हैं, तो देन उन्हें कहीं ज्यादा बुरा नहीं लग जाए। और कभी कभी ऐसा होता है कि मूवी पे क्लेम भी करता जाता है और देन मूवी का रेट बदल जाता है, यानी कि ये मूवी कभी आर रेटेड में भी आ सकती है। तो इस मूवी को देखते हुए उन्होंने ये ऑर्डर चेंजेस करे, और देन VFX जो सुपरवाइजर थे उन्होंने कहा था इस मूवी की डेथ काफी कॉम्प्लिकेटेड थी। तो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको यूट्यूब पसंद आए तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर करो। जो बंदे इस वीडियो को नहीं देखे या तो उस पर डोर मामू के हाथ मारो या पैर मारो, सब्सक्राइब करो। बाय बाय, जा रहा हूँ।